तो अपने महबूब का जलवा देख ले, बस जरा हाथों को फैलाकर, झोलियों को फैलाकर कहो या रसूलल्लाह दीदार अता करना, हम सबको दीदार अता और पेश करूंगा क्योंकि वक्त का मुझे तो खासा ही अंदाजा है, मैं इस महफिल का सबकी तरह हिस्सा हूँ। आखिरी कलाम पेश करूंगा और ये कलाम मुझे बहुत पसंद है। आपने कहना है मुस्तफा, क्या कहना है? मर्जी आपकी, जोर लाओ कि नहीं लाओ, क्या कहना है? और ऊंची, पता लगे कराची वालों को जिंदा दिल किसको कहते हैं। और ऊंची, क्या कहना है? मुस्तफा। और अल्लाह ने कितने हाथ दिए? दो। ये नेमत है, आज हुजूर के नाम पर उठाने हैं। देखते हैं आज लाहौर वाले मेरे आका के नाम पर कितनी आवाजें और कितने हाथ बुलंद करते हैं। कहिए मुस्तफा 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 समझते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपने महबूब से ये खुदा ने कहा, आसमां की तरफ देखना यूं तेरा, तू जो चाहे तो क़िबला बदल जाएगा, चाहे तेरी रिजा होगे मेरी रिजा। मुस्तफा 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 झंडे 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 अगले साल होंगे महफिल नूर में झंडे अगले साल। ये हाथ अल्लाह ने दिए, कौन कौन नबी का झंडा बनाएगा? और यूं लहराने हैं जैसे झंडे लहराते हैं, जो लहराए मेरी दुआ है उसके हाथ कभी खाली ना रहे। ये दुआ स्टेज वालों के लिए भी है। मुस्तफा 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 अब जो आने वाली है, मैं नहीं कह रहा, शायर का शेर ऐसा है, जब जब गुलाम मुस्तफा, हर हुजूर का गुलाम जब कब्र में जाएगा तो क्या होगा? सुनो, आशिके मुस्तफा जब लगद में गया। डॉक्टर साहब अभी और ऊंची होगी, क्यों? क्योंकि आशिके मुस्तफा जब लगद में गया तो खुदा के फरिश्तों ने उससे कहा, क्या कहा? कि इनके बारे में क्या बोलता था बता, क्यों मैं उनका शिकवे कहने लगा। मुस्तफा 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 और बड़ा खूबसूरत शेर
आपके आशिकों की अलग शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों के लिए के लगा दो, शहबाज भाई आशिक समझ रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं सुभान अल्लाह। आपके आशिकों की आपके आशिकों की अलग शान है। पहचान है कोई काम को कोई हसन है, कोई कोई नूरी है तो कोई अहमद रजा मुस्तफा 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 मुस्तफा। आखिर में दोनों हाथों को लहरा कर मुस्तफा 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 मुस्तफा। حافظ غلام مصطفیٰ قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کچھ ایوارڈز ہیں محفل نور کی جانب سے جو محفل نور کی یاد دلائیں گے ساری زندگی، زینت رہیں گے آپ کے ڈرائنگ روم کی۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں میاں محمود نقشبندی صاحب کو، ان کے لیے یہ ایک یادگاری تحفہ ہے، اعزازی شیلڈ ہے، تشریف لائیں۔ اور رانا جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انہیں یہ پیش کریں۔ محفل نور کی جانب سے میاں محمود نقشبندی صاحب تشریف لائیے۔ آغا اویس صاحب، چودھری اعظم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ محفل کے میزبان بابو بھائی بھی اوپر آ جائیں، شعیب بھائی بھی آ جائیں۔ آغا اویس صاحب کے لیے چودھری صاحب آ جائیں۔ قادری ضیائی ساؤنڈ والوں کے لیے وہ بھی تشریف لائیں۔ ملک جہانگیر صاحب ہال والے، حاجی محمود صاحب